सो फ्रेंड्स, आज डेट है भाई 23 सितंबर। मेरे पास यहाँ पे बिटकॉइन का लाइव चार्ट ओपन है, BTC USDT का पेयर है, 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है मैंने वो लगाया हुआ है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये एक लाइव चार्ट है और इस वक्त में जो प्राइस है वो है तकरीबन $63,000। अब यहाँ पे आप लोगों को जादू दिखाता हूँ, ये देखें। जब आपको ग्रीन फ्लैग मिले आप लोगों ने बाय लेना है, ये देखें कितनी बड़ी हमें बाय यहाँ पर मिल रही हैं। और जब आप लोगों को यहाँ पर रेड फ्लैग मिलता है तो आप लोगों ने सेल ले लेनी है। अब ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको दिखने में थोड़ा आसान लग रही होगी, मगर यहाँ पे मैं मूविंग एवरेजेस का पेयर ऐड करूँगा जिसकी वजह से इसके रिजल्ट 80% तक आ जाएंगे। हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को हिट करवाने से बच जाएंगे। फिर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बन जाएगी कि जिन्हें यार ट्रेडिंग की कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है, मगर हाँ वो इस बात को ज़रूर समझते हैं कि भाई अगर हमें यहाँ पर ग्रीन फ्लैग का बोला गया है हमने बाय लेनी है तो हम बाय ले लेंगे, जब हमें रेड फ्लैग का बोला गया है आप लोगों ने सेल लेनी है तो सेल ले लेंगे। तो आप लोग इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को 80% तक कैसे लेकर जा सकते हो, आज की इस वीडियो में हम तमाम चीज़ों पर बात करने वाले हैं। एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे बताना चाहूँगा, हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है भाई, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए फ्री के क्रिप्टो सिग्नल शेयर करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, फ्री के क्रिप्टो एयरड्रॉप्स आप लोगों के साथ में शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम बिल्कुल फ्री में है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसी लिंक के साथ आप लोग उसे ज्वाइन करें। अब भाई ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये सिर्फ क्रिप्टो पे काम नहीं करेगी, ये फॉरेक्स पे भी काम करेगी, स्टॉक्स पे भी काम करेगी, कमोडिटीज़ पे भी काम करोगी। और अगर आप लोग कोई ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंज को ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको क्रिप्टो के साथ में स्टॉक्स, कमोडिटीज़ और फॉरेक्स से पेयर्स मिलें, तो उसके लिए मेरे ख्याल से अभी तक जो बिंगएक्स एक्सचेंज है ये थोड़ी सी बेहतर है। $336 मिलियन इसका 24 आवर्स का वॉल्यूम है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आप लोग क्या देखते हो कि कमोडिटीज़ के पेयर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, इंडिसेस, फॉरेक्स और उसके अलावा क्रिप्टो के बेशुमार पेयर्स यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे एक एयरड्रॉप चल रहा है जहाँ पे आप लोग आईफोन 16 प्रो मैक्स हासिल कर सकते हो, $50 से लेकर $200 तक का यहाँ पर रिवार्ड है। उसके लिए 6 से 7 टास्क हैं, उसे मुकम्मल करना है। उसके अलावा इनका जो साइन अप बोनस है वो भी कुछ बेहतर है। अगर यहाँ पे अकाउंट बनाना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बहरहाल अगर हम बात करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, तो ये जो मेरे पास में इंडिकेटर लगा हुआ है ये है भाई ब्लैक फ्लैग। इंडिकेटर लगाने का तरीका बहुत आसान होता है, आप लोग इंडिकेटर्स में आते हो, यहाँ पर आकर ब्लैक फ्लैग टाइप करोगे तो इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। VSFND के सामने लिखा हुआ है, 4873 इसके कॉमेंट्स हैं, आप लोगों ने इस इंडिकेटर को यहाँ पे आकर लगा लेना है। अब जितनी आप लोगों को इसकी मूव ये स्मूथ नज़र आ रही है भाई, इतनी नहीं थी, इसे हमने जो है कस्टमाइज़ किया है। इसकी कस्टमाइजेशन कैसे की है, उसकी सेटिंग क्या है, तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि हाँ यार ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है, रेड के साथ में सेल लेना है, ग्रीन के साथ में बाय लेना है, मगर मेरे भाइयों ये आप लोगों को स्टॉप लॉस को हिट करवा सकती है। कैसे? अगर आपने यहाँ से बाय ली थी इस एरिया से तो यहाँ पे देखो इसने सेल में आकर आपको स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सेल की, तो ये देखो भाई आपने अगर यहाँ पे आकर सेल ली थी इस एरिया में आकर, तो इसने यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। इससे कैसे बचना है, इसके लिए हम यहाँ पर मूविंग एवरेजेस का एक पेयर ऐड करने लगे हैं। मैंने क्या किया, इंडिकेटर्स में आया और यहाँ पर आकर टाइप किया 10 in 1 डिफरेंट मूविंग एवरेजेस। इसका क्या फ़ायदा है, आप एक ही इंडिकेटर लगाते हो आपको यहाँ पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का ऑप्शन मिल जाते हैं, जितनी चाहे लगा लो। तो मैंने यहाँ पे 14 और 5 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगाया हुआ है, आप लोगों ने भी इसे लगा लेना। हमारे पास में ब्लैक फ्लैग आ गया, मूविंग एवरेजेस जो हमने लगाई हैं यहाँ पर वो आ गई। ब्लैक फ्लैग की जो कस्टमाइजेशन वो कैसे है, इस वीडियो के एंड पर बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। अभी देखो जी, हम बिल्कुल स्टार्ट से ही बात करते हैं लाइव चार्ट पे रहते हुए। अब आप लोगों को मैंने पहले इसका कानून क्या बताया है कि जब आपको ग्रीन फ्लैग मिले आप लोगों ने बाय लेना है, मगर क्या हो रहा है, अगर आपने यहाँ पे रहते हुए बाय लिया, इसने आपको यहाँ पे एग्ज़िट करवा दिया। आपने क्या करना है, जब आप लोगों को ग्रीन फ्लैग के ऊपर रहते हुए डाउनवर्ड क्रॉस मिलेगा तो आप लोगों ने एग्ज़िट हो जाना है, ट्रेड में आप लोगों ने नहीं रहना है, या तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी ही नहीं है। जब आपको ग्रीन फ्लैग पर रहते हुए अपवर्ड क्रॉस मिलेगा इस जगह पे तो आप लोगों ने फिर बाय में बैठ जाना है। जैसे ही डाउनवर्ड क्रॉस मिले एग्ज़िट हो जाओ, फिर आपको यहाँ पे अपवर्ड क्रॉस मिला आप लोग बाय में बैठ जाओ। मतलब ये कि ग्रीन फ्लैग के ऊपर रहते हुए डाउनवर्ड जितने भी क्रॉसेस होंगे वहाँ पर या तो एग्ज़िट हो जाएंगे या फिर आप लोग ट्रेड नहीं लेंगे, अदरवाइज़ आप लोगों के जितने भी स्टॉप लॉसेज हैं वो हिट होते रहेंगे, फ़ायदे की जगह हमें नुकसान होता रहेगा। अगर अभी हम बात करते हैं एक और यहाँ पे बाय की, तो ये देखो भाई आपने यहाँ पे बाय लिया, हमें एक अच्छा खासा बाय मिला, यहाँ पे सेल जाने लग गया, इसने डाउनवर्ड क्रॉस दिया एग्ज़िट हो जाओ, यहाँ पे अपवर्ड क्रॉस दिया बाय ले लो,
फिर ये देखो, आपने यहाँ पे अपवर्ड क्रॉस लिया, मगर यहाँ पे आके इसने आपको स्टॉप लॉस सेट करवा दिया। आपने क्या करना था, यहाँ पे डाउनवर्ड जो क्रॉस हुआ था उधर आकर एग्जिट हो जाना है, जिसकी वजह से आप लोग अपने स्टॉप लॉस को हिट करवाने से बच सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सेल की। जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी आपको जो चार्ट है छुपा के नहीं दिखा रहा हूँ, तमाम चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ। इस वक्त में 24 अगस्त का जो है ये चार्ट ओपन है, आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हो इस जगह पे। अभी हम बात करते हैं अगर सेल की। ये देखो भाई, इसने हमें इस डाउनवर्ड क्रॉस के ऊपर, या फिर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक डाउनवर्ड क्रॉस हुआ है, हमें यहाँ पे एक सेल दिया, ठीक है। अपवर्ड क्रॉस हुआ, इतना कोई नुकसान नहीं हुआ, डाउनवर्ड क्रॉस दिया, हमने यहाँ पे सेल ले ली। अब जैसे ये अपवर्ड क्रॉस देगा, आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे या फिर आप लोग ट्रेड में नहीं रहोगे, मतलब यहाँ पर ट्रेड लोगे ही नहीं। फिर ये देखें, आपको डाउनवर्ड क्रॉस दिया, आप लोग सेल ले लोगे। फिर से यहाँ पर डाउनवर्ड क्रॉस दिया, आप लोग सेल ले लोगे। फिर से यहाँ पर डाउनवर्ड क्रॉस मिला, सेल ले लो। इधर अपवर्ड क्रॉस दिया है तो आप लोग बाय नहीं लोगे, वेट करोगे जब तक डाउनवर्ड क्रॉस नहीं होता है। जैसे ही नीचे का क्रॉस होता है, इस जगह पे देखो फिर से सेल ले लिया। इतनी बड़ी मूव में अगर आप लोगों को 2 से 3 4 ट्रेड्स मिल जाती हैं तो यार आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हो। ज़्यादा पूरा जो दिन है वो ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, एक मरतबा बात को रिपीट कर देता हूँ। जब आप लोगों को रेड फ्लैग मिलेगा तो इसके नीचे आप लोगों ने डाउनवर्ड क्रॉसेस को फॉलो करना है। अपवर्ड क्रॉसेस जैसे ही आएंगे आप लोग वहाँ से एग्जिट हो जाओगे। अगर हम बात करते हैं बाय की, तो जैसे ही आपको ग्रीन कलर का ये साइन मिलता है, आप लोगों ने क्या करना है, अपवर्ड क्रॉसेस को फॉलो करना है, डाउनवर्ड क्रॉसेस को आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। वहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड में नहीं रहना है, आप लोगों ने एग्जिट हो जाना है। सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, किसी भी किस्म का इशू आए मुझे कॉमेंट करके लाजमी बताएं। ब्लैक फ्लैग किस तरीके से लगाना है आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं इसकी कस्टमाइजेशन की। ऑब्जेक्ट ट्री का एक ऑप्शन होता है, आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ब्लैक फ्लैग यहाँ पे ये आ जाएगा। इस पर आप लोग क्लिक करोगे, इसका ये जो सेटिंग ऑप्शन है ये यहाँ पे देखो ओपन हो गया। सबसे पहले आप लोग आओगे इसके स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पे टिक रहने दोगे, इधर से टिक हटा देना है। फिबोनाची 1, 2, 3 यहाँ पे टिक रहने दोगे, L100 पे टिक रहने दोगे। फिर आप लोग क्या करोगे, LS1 जो है यहाँ पे, ये तमाम टिक यहाँ से हटाओगे। प्लॉट्स बैकग्राउंड, ये जो तीनों ऑप्शन हैं यहाँ पे आप लोग टिक रहने दोगे। फिर आप लोग आ जाओगे इनपुट में। अभी जो चीज़ बताने लगा हूँ, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जान है, बहुत गौर से समझिएगा। इंडिकेटर टाइम फ्रेम में चार्ट रहने दोगे, ट्रेल टाइप में मॉडिफाइड रहने दोगे, इसे आप लोगों ने अनमॉडिफाइड नहीं करना है। ATR पीरियड और ATR फैक्टर इसका ये नहीं होगा, जो कि अब आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है। कई घंटों की मेहनत के बाद हमने यहाँ पर इस सेटिंग को सेट किया है। अभी देखें क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे ATR फैक्टर 15 है और आपके पास में ये जो देखो ये एरिया हमारे पास में ग्रीन है। मैं क्या करता हूँ, इसे जस्ट 10 करता हूँ। अभी देखिएगा क्या होगा। इसने हमारी इस सारी ट्रेड की जो सेंस थी ख़राब कर दी। ना तो आप यहाँ पे ठीक तरीके से बाय ले सकते हो, ना सेल ले सकते हो। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आकर हर ट्रेडिंग पेयर के हिसाब से हल्की फुल्की जो यहाँ पर चेंजेस हैं उसे करके देख लेना है, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेटजी है आप लोगों को 80% तक रिजल्ट देने के काबिल हो जाती है। इसी किस्म की कुछ और वीडियोस हैं जो कि प्राइमरी यूज़र के लिए हैं। जैसे कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए दे दी है। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा क्रिप्टो को, फॉरेक्स को, स्टॉक्स को कैसे इफेक्ट करता है, एक डिटेल वीडियो दी है। फिर अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, FOMC क्या होता है, फेड रिजर्व क्या होता है, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो दी है, मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे, इन वीडियोज़ को देखें। और अगर आज की इस वीडियो में किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है कमेंट करके बताएं। बिंग एक्सचेंज पे अगर आप लोग अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है हमें कमेंट करके बताएं, सो दैट हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर वीडियोज़ लेकर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।